असलम नाज़रीन, ज़फ़र इकबाल एस्पायरी रियल एस्टेट के प्लेटफॉर्म से हाजिर खिदमत हूँ। आज की वीडियो के अंदर आपके लिए जो प्रोजेक्ट लेके आ रहा हूँ, ये वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रोजेक्ट है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, रमादा एक होटलिंग का एक बड़ा नाम है, एक बड़ा होटलिंग चेन है और इस्लामाबाद के अंदर भी इसकी एक ब्रांच मौजूद है, इसी तरह से कराची के अंदर भी है और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर इसकी ब्रांचेस मौजूद हैं। तो रमादा वालों ने लास्ट ईयर रावलपिंडी के अंदर बैरिया फेज 8 में एक प्रोजेक्ट अपना लॉन्च किया और ये प्रोजेक्ट बड़ा सक्सेसफुल रहा। इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्होंने होटल सर्विस अपार्टमेंट्स ऑफर किए, साथ परमानेंट रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स इन्होंने ऑफर किए थे और अगर उस वक्त इसकी कंडीशन देखूं तो विद इन 6 मंथ इसके जो होटल सर्विस अपार्टमेंट्स थे वो सारे के सारे सोल्ड आउट हो गए और जो रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स थे उनमें से भी 80% तक सारे सोल्ड आउट हो चुके हैं। जस्ट 20% तक उसके अंदर से अंदर मुमकिन है अभी तक बचे हुए। तो अभी उन्होंने मादा 2 के नाम से उन्होंने एक नया प्रोजेक्ट उसके साथ लॉन्च किया है और वो बिल्कुल उसके साथ जुड़ा हुआ है और आज उसके बारे में आपसे मैं शेयर करने जा रहा हूँ। और इसी तरह से जो रमादा का पहले वाली जो उन्होंने लॉन्च किया था उसकी जो प्रोग्रेस है वो भी आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ। तो इस पे बात करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ये जो नीचे सब्सक्राइब का बटन है इसको दबा दीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक इन टाइम पहुंच गए और आप उससे ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकें। तो लास्ट ईयर जब इन्होंने मार्केट के अंदर इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया तो इसका बड़ा ओवरवेलमिंग रिस्पांस आया। विद इन 6 मंथ्स इसके सारे के सारे सर्विस अपार्टमेंट सोल्ड आउट हो गए। रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स के अंदर भी अगर हम बात करें तो वो भी राउंड अबाउट 80% तक सोल्ड आउट हो चुके हैं। मैं आपको अपना एक जाती एक्सपीरियंस बताता हूँ। मेरे एक क्लाइंट को चाहिए था इसके अंदर सर्विस अपार्टमेंट चाहिए था और हमने बहुत तलाश किया, इन्वेंट्री के अंदर बहुत कंगाला, बहुत से लोगों को हमने रीसेल के अंदर चेक किया गया कहीं से रीसेल में हमें मिल जाए, वो नहीं मिला। तो इसके वाले से जो रिस्पांस था बहुत जबरदस्त था। तो अब मैं आज जो इसका शेयर करने जा रहा हूँ वो जो रमादा 2 इन्होंने लॉन्च किया है उसके बारे में आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। तो इस पर बात करने से पहले मैं आपसे इसके जो डेवलपर है उसका इंट्रोडक्शन कराना चाहूंगा। तो इसका जो डेवलपर है वो प्रीमियर चॉइस है। प्रीमियर चॉइस एक वेल नाउन ब्रांड है बैरिया के अंदर, इन्होंने काफी काम किया हुआ, अराउंड 20 से ज्यादा इनके प्रोजेक्ट्स हैं जो बैरिया के अंदर इनके मौजूद हैं, जिसके अंदर 50% से ज्यादा ये डिलीवर कर चुके हैं और सारे अच्छे ब्रांड्स हैं जो ये प्रोजेक्ट डिलीवर कर चुके हैं। उसमें अगर हम बात करें तो रिवर हिल 1, 2, 3 ये ऑलरेडी डिलीवर कर चुके हैं, रिवर हिल 4 जो है वो ऑलमोस्ट कम्पलीशन के करीब है और इसी तरह से रिवर लाफ बैरिया इंटेलेक्चुअल विलेज के अंदर बना हुआ है, बहुत अच्छा खूबसूरत एक प्रोजेक्ट तैयार किया है इन्होंने। इसी तरह से रोमन ग्रूव हो गया, इसी तरह से 68 हाई स्ट्रीट आ गया, बॉक्स पैक, फिर इसी तरह गार्डन विलास, तो ये डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो ये ऑलरेडी डिलीवर कर चुके हैं। फिर फॉर्चुनेटो अपार्टमेंट्स प्रोजेक्ट से दुबई के अंदर, ऐसे ही कनाडा के अंदर भी अपने एक प्रोजेक्ट कम्प्लीट कर चुके हैं। तो ये एक वेल नाउन ब्रांड है जो डेवलपर है प्रीमियर चॉइस वाले। इसी तरह से इस प्रोजेक्ट को मार्केट कर रहे हैं zameen.com। जमीन माशाल्लाह इनका एक बहुत बड़ी वर्कफोर्स इनके पास है और बड़ा जबरदस्त ही काम करते हैं और कोई भी प्रोजेक्ट इनके पास आता है बहुत तेजी से इसे सेल आउट कर देते हैं। अब अगर मैं रमादा की लोकेशन के वाले से बात करूं, रमादा एक बड़ी प्राइम लोकेशन के ऊपर वाकई है। इसकी फ्रंट साइड पे अगर मैं बात करूं तो वहां पे बैरिया इंटेलेक्चुअल विलेज है जिसके अंदर रिवर लॉफ्ट वगैरह भी आप ये देख रहे हैं, ये स्क्रीन के ऊपर भी आपको मैं शो कर रहा हूँ, आप उसमें भी देख सकते हैं कि बैरिया इंटेलेक्चुअल विलेज बहुत खूबसूरत बना हुआ है, साथ ही जो रिवर लॉफ्ट है वो भी वहीं पे इन्होंने कम्प्लीट किया हुआ है। इसकी बैक साइड के ऊपर DHA फेज 4 का एरिया है और उसके अंदर डिफरेंट कटिंग भी अवेलेबल है और उसके अंदर भी अगर आप देखेंगे ये भी फ्यूचर के अंदर एक वेल पॉपुलेटेड एरिया होगा। आप इसकी राइट साइड के ऊपर देखते हैं तो DHA फेज 1 का एरिया आप देख रहे हैं और इसी तरह से इसकी लेफ्ट साइड के ऊपर बैरिया फेज 7 का एरिया है। तो ये सारे के सारा इसके सराउंडिंग के अंदर वेल पॉपुलेटेड एरियाज हैं और अच्छी पोश जो आबादी है वो यहाँ पे मुकिन है। अगर मैं इसकी डिस्टेंस की बात करूं तो जो बैरिया फेज 7 की मेन एंट्रेंस है वो इसे 5 मिनट की ड्राइव के ऊपर है, DHA फेज 1 8 मिनट की ड्राइव के ऊपर है, GT रोड 10 मिनट की ड्राइव के ऊपर है, जॉयलैंड 12 मिनट की ड्राइव पे है, अयूब पार्क 15 मिनट की ड्राइव पे है, रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी 18 मिनट की ड्राइव पे है और सदर 25 मिनट की ड्राइव के ऊपर है। नाज़रीन अभी मैं आपको जो शो कर रहा हूँ रमादा 1 की जो डेवलपमेंट हो रही है वो आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। इसकी अगर आप देखें पाइलिंग वर्क इसका कम्प्लीट हो चुका है और डिगिंग हो रही है, इसके अंदर एक्सप्रेशन का वर्क जो है वर्क इन प्रोग्रेस है और ये जो मैं दिखा रहा हूँ ये मार्च की वीडियो है।
फाइल कैप टीम कंप्लीट हो चुके हैं। तो नजीर, अगर रमाडा का टावर 2 की मैं बात करूं तो ये 13 किनार के ऊपर है, और अगर मैं टोटल इस प्रोजेक्ट की बात कर लूं तो 36 किनार के ऊपर इसका जो फर्स्ट प्रोजेक्ट था वो था, और इसका जो अभी रमाडा 2 जो बन रहा है वो 13 किनार पे है। तो टोटल ये 49 किनार पे मुश्तमल होगा। ये ग्राउंड प्लस 14 की बिल्डिंग होगी, और इसका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही खूबसूरत है, स्टेट ऑफ द आर्ट स्ट्रक्चर इसका बनाया जा रहा है। दोनों बिल्डिंग्स को आपस में इंटरकनेक्टेड होंगी, इसके अंदर से ही आप एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग के अंदर जा सकेंगे। जो अमेनिटीज और फैसिलिटीज किसी 5-स्टार होटल के अंदर होती है वो तमाम की तमाम इसके अंदर मौजूद होंगी, और इसी तरह से वो सारी की सारी एमिनिटीज आपको रमाडा 2 के अंदर भी मिलेगी। इसके अलावा इसकी आउटडोर भी बहुत सी एमिनिटीज दे रहे हैं, इसके अंदर काफी अच्छे प्लेइंग एरियाज भी हैं, स्केटिंग की जगह भी है, बास्केटबॉल का ग्राउंड भी इसके अंदर मौजूद है, मरीना वॉक भी पार्किंग में मौजूद है। तो वो तमाम एमिनिटीज जो रमाडा 1 के अंदर है वो सारी की सारी रमाडा 2 के अंदर भी अवेलेबल है। अब अगर मैं इसकी प्राइसिंग की बात करूँ तो इसके रेट्स इस वक्त प्री लॉन्च फेज के अंदर है, जो परमानेंट रेजिडेंसी अपार्टमेंट्स हैं उनके रेट्स की अगर मैं बात करूं तो वो आपको 12,500 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको मिल जाएगा। आप कोई भी अपार्टमेंट इसमें किसी भी साइज का बुक करवा सकते हैं, 1, 2, 3, 4 बेड्स के अपार्टमेंट्स इसके अंदर मौजूद हैं। इसी तरह से सर्विस अपार्टमेंट्स की अगर हम बात करें तो सर्विस अपार्टमेंट आपको 20,000 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको मिल जाएंगे, और इसके सर्विस अपार्टमेंट आपके लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी एक बहुत अच्छी बन सकती है कि इन्होंने लास्ट ईयर भी रेंटल ऑप्शन ऑफर किया था, इसके अंदर अभी भी इन्होंने रेंटल इनकम ऑफर किया है। उसकी डिटेल के लिए आप व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट करेंगे तो मैं आपको सारी डिटेल उसकी बता दूंगा। रमाडा टावर 2 का पेमेंट प्लान की अगर मैं बात करूँ तो ये 3 साल का पेमेंट प्लान है। आपने जस्ट 30% आपने एडवांस में पे करना है, 10% आपने एट द टाइम ऑफ पोजिशन पे करने हैं, और जो रिमेनिंग 60% अमाउंट होगी वो आपके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी 3 साल के क्वार्टरली प्लान के ऊपर, यानी हर 3 महीने बाद आपने पेमेंट करनी होगी, और ये 3 साल के ऊपर मुश्तमिल होगा आपका पेमेंट प्लान। और इसके अंदर एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बेसिस पे है। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस ऑलरेडी बता चुका हूँ कि लास्ट ईयर मेरे अपने क्लाइंट्स को कुछ चीजें चाहिए थी और मुझे नहीं मिली। तो अगर आप टाइम के ऊपर रिक्वायरमेंट डालते हैं सब मैक्सिमम इन्वेंट्री मौजूद है, आपको अच्छी चीजें इसके अंदर मिल जाएंगी। तो आप कोई भी बुकिंग करवाना चाहें आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपके पास रमाडा 1 के वाले से कुछ चीज मौजूद है और आपको रीसेल करना चाहें तो आप तब भी हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह क्लाइंट्स हैं, हम कोशिश करेंगे आपके उस अपार्टमेंट को सेल भी कर दें अगर आप बेचना चाह रहे हैं। बाकी रमाडा के वाले से आप कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहें किसी भी किस्म की आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट कर लीजिए। अगर मैं आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए तो ताकि तमाम वीडियोस आप तक इन टाइम पहुँच सकें, और इसको अपने दोस्त अहबाब के साथ भी शेयर कर दीजिए। मुमकिन है आप खुद नहीं लेने की पोजीशन, लेकिन हो सकता है आपके बहुत से ऐसे जानने वाले हों जो को परचेज करने की सकत रखते हों या इंटरेस्ट रखते हों तो उनको इससे फ़ायदा हो जाए। आप सब सुनकर देखने सुनने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।